अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। सना हेयर। तो आज मेरा यूके में ये सेकंड व्लॉग है और इसी वीडियो में मैं अपनी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट डे को कवर करूँगी। ये व्लॉग मैं तकरीबन एक मंथ पहले का मैंने शूट किया हुआ है, बट मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको एडिट कर सकूँ, तो अभी मैं इसको पोस्ट करूँगी। इंशाल्लाह विद इन वन डे मैं इसको पोस्ट कर दूँगी। तो ये वीडियो एक मंथ पुरानी है, तो क्योंकि मैं बीच में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी तो मुझे टाइम नहीं था मिला कि मैं अपनी वीडियो को एडिट कर सकूं। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर किसी कंट्री से, लाइक पाकिस्तान से, इंडिया से आ रहा है यूके की किसी यूनिवर्सिटी में, तो उसका दिन कैसा गुजरता है, उसकी स्टडीज़ कैसी है, उसका टाइम कैसे स्पेंड होता है। और साथ में मैं लंदन टावर ब्रिज का व्यू दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी बस जिस रूट से गुजरेगी वो टावर ब्रिज से होके जाएगा। और मेन बात ये है कि मेरी यूनिवर्सिटी से सिर्फ 5 मिनट की वॉक पे, 5 मिनट्स वॉक पे टावर ब्रिज है, तो ये व्यू भी बहुत ही कमाल का है। तो इस व्लॉग में मैं ये चीज़ें कवर करूँगी, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगे। तो जी जनाब, मैं ये है ऑयस्टर कार्ड और मैं अभी अपने बस स्टॉप पे पहुंच गई थी जहाँ से मुझे बस लेके अपनी यूनिवर्सिटी में जाना है। तो ये ऑयस्टर कार्ड है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये क्या होता है कि जब आप बस में जाते हैं तो इसको आपने टैप करना होता है, ऑयस्टर कार्ड को, और वो भी मैं दिखाती हूँ कि आपको कहाँ टैप करना है। और उसके बाद आप जब भी लंदन में आएँ तो आपने एक TFL एप्लीकेशन है, उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होता है। उससे क्या होता है कि आपने जहाँ भी जाना है, अपनी डेस्टिनेशन, आपने उस पर पोस्ट कोड डाल देना है, और उसके बाद फिर आपको टाइम और कौन सी बस लेनी है, किस स्टॉप से लेनी है, सारी डिटेल्स आपको उस एप्लीकेशन पे दिखा दी जाएंगी। तो यहाँ मैं अपना बस का वेट कर रही थी। और लंदन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का है, लाइक के हर 2 मिनट बाद, हर 3 मिनट बाद आपको बस आपकी आ जाएगी। तो ये मेरा स्टॉप था जहाँ ये बसेस का जितना भी है सारा लिखे हुए कि कौन कौन सी बस स्टॉप पर आएंगी। A few moments later. तो जी जनाब, मेरी बस आ गई है और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि आपने जो अपना ऑयस्टर कार्ड है वो आपने कहाँ पे टैप करना होता है, ये ड्राइवर के साथ वाली सीट पे। देखिए, ग्रीन लाइट मैंने जब टैप किया है तो ग्रीन लाइट चली है, इसका मतलब ये है कि आपके कार्ड में बैलेंस भी है और ये डन हो गया है। तो अभी मैं अपनी सीट पे बैठ जाऊंगी। चलिए, ये भी अच्छा हो गया कि मुझे बस के टॉप पे फ्रंट वाली जो ऊपर सीट थी वो फ्री थी, तो मैं वहाँ बैठ गई। तो अभी यहाँ से मैं अच्छे से शूट कर लूँगी और सारे रोड्स आपको सही से, आपको व्यू भी नज़र आ जाएगा अच्छे वाला। मैं दिल से अपने फॉलोवर्स का थैंक्स करना चाहूँगी, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया सबका कि मुझे इतनी जल्दी मेरे फ़र्स्ट यूके के व्लॉग पे, फ़र्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट वाले व्लॉग पे आप लोगों ने इतना मुझे लाइक अच्छा रिस्पांस दिया, और ये मेरे लिए एक अप्रिसिएशन वाली बात है। तो मेरी जो ऑडियंस है उसमें से 95% लोग जो हैं जिन्होंने बग़ैर सब्सक्राइब किए मेरी वीडियोज़ देखी हैं, तो मैं उनसे प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उनमें क्या होगा कि वो आपको मिल सकेंगे। मेरे व्लॉग्स में आपको जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे उन सब के लिए मैं इंफॉर्मेशन होंगी, उनको मैं गाइड करूंगी कि वो जब यहाँ आएंगे तो उनके जर्नी के बारे में कि क्या है, कैसे उनके लिए फर्स्ट जो हर्डल्स होती हैं, उनकी स्ट्रगल है, उन सब के बारे में उनको मैं गाइड करूंगी। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो यहाँ ये टावर ब्रिज का व्यू है, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ से अभी तकरीबन मेरी सिर्फ 2 स्टॉप आगे रह गए हैं यूनिवर्सिटी पहुँचने पे, तो मेरी यूनिवर्सिटी से सिर्फ 5 मिनट्स की वॉक पे है ये टावर ब्रिज। तो ये आपको इसका मेन एंट्रेंस नज़र आ रही होगी, तो ये बहुत अच्छा कमाल का व्यू है। तो अभी आप इस व्यू को इंजॉय करें। Thank you.
तो जी जनाब, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा यह व्यू। अभी मेरा स्टॉप आ गया था तो मैं जस्ट नीचे उतरने लगी हूँ और मेरी बस रुकेगी तो अभी मैं फिर उतर जाऊँगी। आज थी 9:30 पे मेरी क्लास थी और मैंने कोई ब्रेकफास्ट नहीं था किया, नाश्ता वगैरह मुझे करना था तो मैंने सोचा था चले मैं उधर जाके ही करूँगी। तो अभी जस्ट मैं उतरूँगी तो फिर मैं देखूँगी कि अगर मुझे कुछ खाने को मिलता है तो फिर मैं कुछ खाऊँगी और उसके बाद फिर हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, मैं आपको साथ लेके जाऊंगी। तो यहाँ मैं टेस्को आई थी, मैं मुझे लगा कि मैं यहाँ कोई बेकरी आइटम मुझे मिल जाएगी, साथ में मैं कॉफ़ी लूँगी, बट मुझे यहाँ से कुछ नहीं था मिला क्योंकि सारे बेकरी आइटम्स ख़त्म हो गई थी मॉर्निंग में। यहाँ स्टूडेंट्स क्योंकि यूनिवर्सिटी के बिल्कुल 3 या 10 स्टेप आगे है टेस्को, यूनिवर्सिटी के बिल्कुल नज़दीक है, स्टूडेंट्स आते होंगे तो वो फिर ले जाते होंगे, तो मैं यहाँ आई थी तो मुझे कुछ नहीं मिला। टेस्को पे अभी आपको एक वीडियो मिलेगी, डिटेल वीडियो, यहाँ मैं इसलिए नहीं बना रही, बता नहीं रही आपको कुछ क्योंकि इस पे मुझे एक डिटेल वीडियो बनानी है और इसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेंगे। वो बाद का व्लॉग इंशाल्लाह आएगा जिसमें आपको मैं सारी ग्रोसरी का बताऊँगी कि एक स्टूडेंट के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए क्या चीज़ें हैं जो कि वो बाय कर सकता है। तो अभी ये मैं पर्सन से पूछ रही थी कि मुझे बेकरी आइटम बताओ, तो उसने मुझे बताया कि दूसरे रैक में जाएं आप। तो जब मैं दूसरे रैक में आई तो मैंने ये सारा पोर्शन खा लिया इधर, यहाँ कुछ नहीं था पड़ा हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ। तो जी जनाब, ये है मेरी यूनिवर्सिटी, BPP यूनिवर्सिटी, ये है मेरा कैंपस और मैं यहाँ पहुँच गई थी। तकरीबन 8:50 का टाइम था ये और ये है माय कैंपस। तो हमारी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि हर स्टूडेंट को एक यूनिवर्सिटी की तरफ से हब मिल जाता है और ये उसमें क्या होता है कि जैसे ये बार कोड है इसको स्कैन करोगे तो पता चल जाएगा कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में इन है, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम होता है यहाँ UK की यूनिवर्सिटीज़ में कि आपको यूनिवर्सिटी की ईमेल मिलती है, कार्ड मिलता है, यूनिवर्सिटी में जब जब आप आते हो तो आपको एक हब मिलता है तो आप बारकोड स्कैन करते हो। यहाँ मैं आई थी। ओह माय गॉड, वाओ, स्टारबक्स में मैं आई थी अपने नाश्ते के लिए और थैंक गॉड कि मुझे कुछ मिला और ये भी यूनिवर्सिटी से तकरीबन, क्योंकि यूनिवर्सिटी मेरी सेंट्रल लंदन में है तो यहाँ हर चीज़ पास पास अवेलेबल होती है। तो मैं यहाँ आई थी स्टारबक्स में और मैंने फिर ये कॉफ़ी ली और साथ में ये फिर मैंने लिया बन, तो फिर साथ में ये मैं खा रही थी। ये मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड हैं जो मेरे साथ थी और इनका रिसेप्शन पे कोई काम था, इनका हब काम नहीं था कर रहा तो ये रिसेप्शन पे जाके बात कर रही थी। और ये है मेरी यूनिवर्सिटी, क्लास स्टार्ट होने में मेरा अभी थोड़ा सा ही टाइम रह गया था। तो जी जनाब, यहाँ मेरी क्लास 12:30 पे एंड हो गई थी तो मेरी नेक्स्ट क्लास थी 3:45 पे, तो मेरे पास तकरीबन 2 से 3 आवर्स मेरे पास फ्री थे। तो मैंने सोचा कि जहाँ टावर ब्रिज जहाँ से मेरी बस क्रॉस की थी, सो मॉर्निंग में मैंने आपको दिखाया था कि मेरी यूनिवर्सिटी से जो 5 मिनट्स की वॉक पे हैं उसी के पास ही KFC था, तो मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ लंच करने आ गए। तो ये सारा लंदन का व्यू है जो कि बहुत ही माशाल्लाह कमाल का है और मैं तो इसको देख देख के बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ठार। और यहाँ हम KFC में आ गए थे तो ये वाली जो KFC थी ये तो बेसमेंट पे थी और ना ये थोड़ी ट्रेडिशनल टाइप की बनी हुई थी, तो जैसा कि सारे ईंटें वगैरह और ये सारी चीज़ें लगी हुई थी। तो ये देखिए अंदर से कितना प्यारा व्यू है। यहाँ पे एक मेन चीज़ ये है कि अगर तो आपको मैप यूज़ करना आता ना तो आप कहीं भी जा सकते हो, आप कहीं भी लाइक इजीली ट्रैवल कर सकते हो।
तो मैं ये एक एडवाइस करूंगी कि जब अगर तो आपको मैप यूज़ नहीं करना आता तो आप मैप यू सीख लें चलाना, क्योंकि ये बहुत काम आएगा। कहीं भी आपको जाना है आप लोकेशन डालो और सीधा उस लोकेशन पे जाओ। तो मेरा ये खाना आ चुका था और ये बाहर का व्यू चेक करें कितना कमाल का है। One eternity later. तो जनाब, हम खाना खाने के बाद यूनिवर्सिटी आ गए थे और 3:45 पे मेरी क्लास स्टार्ट हुई थी और अभी मेरी क्लास एंड हो गई है 5:45 पे, सॉरी 5:45 पे मेरी क्लास एंड हो गई है। तो अभी जो सा है, मैं यूनिवर्सिटी से निकलने लगी थी और मैं लिफ्ट में बैठूंगी। यूनिवर्सिटी में ये बहुत अच्छा सीन है कि स्टेयर्स भी हैं और लिफ्ट्स भी हैं। तो लिफ्ट में लाइक एक बोर्ड है, बटन दबाओ और 5-6 लिफ्ट्स हैं। तो जो लिफ्ट पहले आ रही होती है आपको वहीं शो हो जाता है कि आप इस लिफ्ट में जाओ, क्योंकि ये आ रही है, ताकि आपको ज़्यादा वेट भी ना करना पड़े। तो जी जनाब, मैं आज का ये दिन था और अभी मैं यूनिवर्सिटी से बाहर आ गई हूँ। तो वापस घर जाने के लिए स्टॉप पे अपनी बस का वेट कर रही हूँ। तो बस यही था आज के इस व्लॉग में। मेरे दिन की रूटीन थी कि मेरी क्लासेस मैं कैसे ले रही हूँ, यूनिवर्सिटी में जाने का सारा स्केड्यूल, और इसमें थोड़ा सा व्यू था टावर ब्रिज का। इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें सारा व्यू आपको नज़र आएगा। टेस्को पे जितने भी बड़े बड़े स्टोर्स हैं, सब पे वीडियोस आएंगी, आगे बहुत कुछ आएगा। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। देन मैं फिर उस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बनाऊंगी और इंशाल्लाह फिर मज़ीद आगे वीडियोस आएंगी। तो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट का, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।